ବର୍ଷା ଆଣିଲା ବିତ୍ପାତ, କେରଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଚାଲିଗଲା 20ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ରହିଛନ୍ତି 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଛାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଥରାଇ ଦେବ। ଯୁଆଡ଼େ ନଜର ପକାଇବେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ବୋଧେ ପ୍ରକୃତିର ଏଭଳି କରାଳ ରୂପକୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ କେରଳବାସୀ। ବର୍ଷା ଯେ ଏଭଳି ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ତାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିପାରିନଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜଳମଗ୍ନ। ସେପଟେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। बेसिकली कल क्या था, एक लो प्रेशर एरिया था साउथ ईस्ट अर्बियन सी एडजॉइनिंग केरला में, तो आज वो सुबह लेस मार्क हो गया, लेकिन स्टिल उसके प्रभाव से कल वहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा, मोर देन 20 सेंटीमीटर वहाँ पे। और आज जो वह ट्रफ मॉर्निंग में लेस मार्क हो गया, और अभी जो उसका कंडीशंस है अभी एक ट्रफ ऑफ लो टाइप अभी है वहाँ पे, जो हमने अभी आज दिया है साउथ इंटीरियर कर्नाटका से लेके साउथ तमिलनाडु, उसके प्रभाव से आज हम हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एट द मोस्ट हैवी मीन मैक्सिमम 6-7 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो सकती है। केरल सरकार निवेदन परे उद्धार कार्य लागी पड़ी स्थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना अधिकारी। उद्धार कार्य हेलिकॉप्टर को मध्य स्टैंड बाय रे रखा जाइछि। सेई परे 11 टी एनडीआरएफ टीम वर्षा और बन्या रे फसी रहितबा लोकों को उद्धार कार्य रे नियोजित अछन्ति। केरळर स्थिति नहीं मुख्यमंत्री विजय पिनाराई कथा होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथस समस्त नागरिकों सुरक्षा और कुशल मंगल प्रार्थना कर प्रधानमंत्री। केरल को समस्त प्रकार सहायता जगै देवा प्रतिश्रुति केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह। तेरे वर्षा नहीं 19 तारीख जाए केरल में आलर्ट जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।